अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ेगा। इसमें हमने 1 किलो गोश्त लिया है। आप जो है सिर्फ बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी वाला भी ले सकते हैं, गोश्त कोई भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आइए इसमें मसाला देख लेते हैं। चिकन टिक्का में देखिए मसाला है, ये गरम मसाला है, ये नमक, आप पिंक सॉल्ट है, आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टिक्का मसाला है, दही है, लाल मिर्ची पाउडर, ये कलर है। अब इसमें हम मसाला लगाते हैं। पहले हम इसमें जो है चिकन में कलर जो है इसमें लगा देते हैं। कलर पहले लगाने से ये है ना कि सारी पीस में कलर लग जाता है अच्छे से। अब इसमें आप कलर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। हमने हाफ टी स्पून रखा है कलर। अब इसको हम पूरा मिला देते हैं कलर इसमें। ये देखिए 1 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टीस्पून जो है दही है, इसमें टिक्का मसाला है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है आप अपने हिसाब से डालिएगा हसब ज़ायका, मिर्ची पाउडर हमने 2 टीस्पून लिया है आप अपने हिसाब से लीजिएगा हसब ज़ायका। अब इसको हम सब मिक्स करते हैं। सारी चीज़ हमने चिकन में मिला के इसको हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। 2 घंटे बाद इसको हम सीक लगाते हैं। इसमें इतनी देर आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे मैरिनेशन में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने इसको जो है 1 घंटा दिया है, 2 घंटा हमने इसको लगाया है। आप अपने हिसाब से जितना आप ज़्यादा देर लगाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसको सारा मिक्स करके हमने मैरिनेट करके इसको ढाँक कर रख देना है। इसको 2 घंटे बाद मिलते हैं। देखिए 2 घंटा हमने इसको मैरिनेट कर ले रख दिया था मैरिनेट करने करके। अब ये 2 घंटा हो गया है। अब इसको हम मिक्स करते हैं फिर से एक बार, उसके बाद सीक में लगाते हैं। आप इसको इस तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें बटर, ऑयल या फिर कोई भी आप अपने हिसाब से जो आपको डालना हो। हम इसमें राइस ब्रान डाल रहे हैं, थोड़ा सा 2-3 चम्मचे इसको इसमें डाल के मिला दीजिएगा। तो फिर अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और फिर अब मिक्स करने के बाद इसको फिर से सीक में लगाते हैं। देखिए ये सीक है इसकी, अभी इसमें हम लोग लगाते हैं। ये देखिए पीस आप उठा के इसको ये इसमें ऐसे करके लगाइए, इसको ऐसे करके इसमें ऐसे करके लगाइएगा। सब्जी लगा सकते हैं। हाँ, इसी तरह आप शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, इस तरह मसाला पनीर लगा के आप ऐसे टिक्का बना सकते हैं। किसी चीज़ का भी आप वेज भी बना सकते हैं, नॉन वेज, हम लोग नॉन वेज बना रहे हैं, आप वेज भी बना सकते हैं। इसी तरह इसको इस तरह हमने देखिए लगा दिया है। अब आप इसको जो है इस तरह करिएगा कि लेग पीस है तो ये ऐसे रहेगा। इस तरह सारी सीख लगा लेते हैं, फिर हम जहाँ आग जलाया हमने वहाँ चलते हैं। देखिए हमने कोयला जला के उसको खूब लाल हो गया कोयला, अंगारा बन गया, तब उसके ऊपर हमने सीख रख दिया। ये सीख रखने के बाद अब इसको थोड़ी थोड़ी बार पर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसमें तेल लगाएंगे ऊपर थोड़ी थोड़ी देर पे, उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी देर पे इसको टर्न करते जाइए, पक जाएगा। 10-15 मिनट लगता है इसको पकने में, पक जाएगा फिर खाइए। अब इसको कि अभी हम इसको सर्व करके दिखाते हैं, आपको पसंद आएगा तो बनाइएगा, बनाइएगा तो खाइएगा, खाइएगा तो कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।